हम लोग जैसे उम्मीद कर रहे थे उसके अनुसार, उसके अनुरूप सारे लोग आ चुके हैं और राहुल जी भी आ रहे हैं, उनके साथ खड़गे जी भी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आ रहे हैं, और भी लोग महत्वपूर्ण लोग जो बच गए हैं वो पहुंच जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि तमाम राजनीतिक दल के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे, क्योंकि ये पहली बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है, इसीलिए पार्टी के सभी जो नेता हैं उनको बुलाया गया है। क्या लगता है, बैठक तो विपक्षी एकता के लिए बुलाई गई है, आज होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बजाबते लेटर लिख करके कहे हैं कि पहले इस पर एक चर्चा हो जानी चाहिए, जो अमेंडमेंट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर चर्चा पहले होगी, फिर विपक्षी एकता की बात होगी, पहले कांग्रेस को इस पर रुखा स्पष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन ये तो एजेंडा बदल गया। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी समस्या है, वो अपनी समस्या को उस बैठक में रखेंगे और जो भी जिस बात पर भी आम सहमति बनेगी वो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या पार्टी के अध्यक्ष हो, उनकी बात सबकी सुनी जाएगी और मेरा ख्याल है कि जो भी तय होगा वो आम सहमति से तय होगा। सहमति की बात हो रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी का आपको बुधवार को बयान आया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है पंचायत चुनाव में, और इस तरह से कैसे होगा। वहीं ममता बनर्जी कह रही है कि आप सीपीएम का साथ छोड़े, नहीं तो विपक्षी एकता की बात नहीं हो सकती है। देखिए ऐसा है कि अभी हम पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस की इकाई है और जिसके अध्यक्ष अधीर रंजन जी हैं, वहाँ विपक्ष में हम हैं, हमारा सीपीएम के साथ, लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन है। तो अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं है, जब हम किसी मुद्दे पर पहुँच जाएंगे, सहमति हो जाएगी, तब तो उसके बाद आगे का क्या रणनीति हमारी होगी वो तय होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमको अपनी तमाम इकाइयों से भी उनको विश्वास में लेना होगा, यही लोकतांत्रिक तरीका है। तो पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या दूसरा कोई राज्य हो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह के लोगों से हमको बात करनी पड़ेगी और सबको हम विश्वास में लेंगे और उसी आधार पर कोई फैसला होगा। लेकिन बैठक, विपक्षी एकता का बैठक ठीक है, अखिलेश यादव का अलग स्टैंड लेके आ रहे हैं कि यूपी में हम हैं, हमारे एलाइज हैं, कांग्रेस को यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, हम आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में सपोर्ट करेंगे। तो देखिए जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो अपने अनुसार फैसला चाहेंगे, जाहिर है वो अपने